मॉर्निंग सर। जैसा कि आज 10 दिसंबर 2021 है, 10 दिसंबर 2021 विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड वुमेन राइट डे, उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको साझा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मानव अधिकार दिवस जिसको बोलते हैं वुमेन राइट डे, वह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है जिसके बारे में उन्हें अवश्य मालूम होना चाहिए। वह मौलिक अधिकार जिसके बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र किसी भी सदस्य देश में सत्तारूढ़ सरकार के साथ लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह दिवस वर्ष 1948 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1948 से, ठीक है, और हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ आपको मानवाधिकार दिवस 2021 के बारे में कुछ जानकारी हम दे रहे हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, ठीक है। UDHR एक मील का पत्थर दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जो एक इंसान के रूप में उनकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीति, देश, मूल और जन्म की परवाह किए बिना हर कोई हकदार है। दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है जो 500 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। मानवाधिकार सतत विकास लक्ष्यों को है जिसका मानवीय गरिमा को अभाव में हम सतत विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 10 दिसंबर उस दुनिया के पुनर्निर्माण में मानवाधिकार के महत्व की पुष्टि करने का एक अवसर है जिसमें हम रहना चाहते हैं। ग्लोबल एकजुटता की जरूरत के साथ हम अपनी परंपरा और साझा मानवता की आवश्यकता है। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम असमानताओं को कम करना है और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। जैसे हर एक मानव का अधिकार है कि इस खुली वातावरण में वह अपने जीवन को जी सकता है, जीने का अधिकार हर एक मानव का अधिकार है। पूरे विश्व में इसको मान्यता प्राप्त है कि हर कोई जी सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, पूरे कंट्री स्वतंत्र हो गई है, तो आप स्वतंत्र तरीके से आप अपने सम्मान के साथ जीने के हकदार हैं, ठीक है। इस वर्ष का विषय समानता और UDHR के अनुच्छेद 1 से संबंधित है जो कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और सम्मान और अधिकारों में समान है। सभी मनुष्य स्वतंत्र है, ठीक है, और सम्मान और अधिकारों में सभी के एक दूसरे के बराबर है, ठीक। मानवाधिकारों के केंद्रों में भी है। दस्तावेज में निर्धारित संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण में समाज में कई लोगों को प्रभावित करने वाले भेदभाव को संबोधित करना और समाधान खोजना शामिल है। यह भी आपके ह्यूमन राइट डे पे कुछ मूल इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब आप लोग वन बाय वन आएंगे यहाँ पे और जो भी पॉइंट मानव विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में आपको जानकारी है उसके बारे में हम सभी लोगों को साझा करेंगे। तो स्टार्ट करें, आइए वन बाय वन। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन शुक्रवार 10 दिसंबर जो कि मानव अधिकार के दिवस पर आज मनाया जा रहा है जो कि दुनिया भर में कई सालों से मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। इसका घोषणा 1948 में हुआ था
जो कि राष्ट्र संघ संयुक्त महासभा अधिकारों के द्वारा मानव अधिकारों दिवस नियुक्ति घोषणा की गई थी। मानव अधिकार दिवस देखिए लाला पकड़ा अपना अधिकार जानने के लिए बनाया गया। इसमें 10 दिसंबर 1953 में शायद संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे देश को आमंत्रित किया था। 1948 क्या है, आदमी को अपना अधिकार बताना चाहिए। पहले समय में क्या होता था, राजतंत्र था, तो उसमें क्या होता था, जो राजा चाहता था वही होता था। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि कई विभाग मेरे से काम करते हैं सर, समुदाय के रूप में, शिक्षा के रूप में, जिसका जो हक है उसको अधिकार दिलाने के लिए। तो मानव अधिकार का मेन समझे यही काम है कि उसके अधिकार को दिलाना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद उसी आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक में संयुक्त मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। 10 जून 1948 को इसका कार्य समाप्त हो गया और 10 दिसंबर 1948 को इसको संयुक्त महाराष्ट्रीय संघ आयोग में इसको स्वीकार कर लिया गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 10 दिसंबर है, यह हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 में इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने प्रति अधिकार को जागरूक करना। हाँ साइलेंट आवाज नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10 दिसंबर हमारा अधिकार दिवस है। यह सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अपनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार बनाने का मकसद यह है कि मानव अपने अधिकारों को समझे। गुड मॉर्निंग। हम जानते हैं कि आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस है, जो कि 1948 ईस्वी में संयुक्त किया गया था। मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य है कि मानव को अपना अधिकार मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं, मानव अधिकार दिवस आज 10 दिसंबर 2021 को हम मना रहे हैं। इससे पहले भी हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतलब इसको नियुक्त किया गया, स्वीकृत किया निर्विरोध, और जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना किसी जाति धर्म लिंग बिना किसी विरोध के संयुक्त किया गया। उसके अलावा हर किसी व्यक्ति को अपनी एक बात रखने की हर सभा में उसको आज्ञा मतलब उसको हक हो गया। और जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह भी नियुक्त किया गया कि इसके पहले जो भी हम अपने मुताबिक कोई भी बात नहीं रख पाते थे, अपने मुताबिक कोई काम नहीं कर पाते थे, उसके पहले राजा महाराजा रहते थे, उनके अनुकूल हमको चलना पड़ता था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में यही नियुक्त किया गया कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ बातें और कुछ क्लियरिटी रखनी होती है। तो गुड मॉर्निंग। 10 दिसंबर 2021 जो मानव अधिकार दिवस हम मना रहे हैं, यह पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत
हमें अपने मानव को अपने अधिकार को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर अपना अधिकार है सबको। गुड मॉर्निंग टू। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ 1948 में की गई और आधिकारिक रूप से यह 1950 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि आज 10 दिसंबर है और आज मानवाधिकार दिवस है, सभी मानव पर अपना अपना अधिकार मौलिक अधिकार होता है। यह 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में लागू किया गया था और ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग टू। आवाज थोड़ा लाउडली बोलिए, सुनाई दे रहा है। स्किप कर थोड़ा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोले तो है, दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज 10 दिसंबर, आज 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस हर साल इसी दिन मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में जो है इसको घोषणा किया गया था, लेकिन ये 1950 में जो है इसे मनाना 1950 से मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है जो है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों में भेदभाव मिटाने के लिए मनाया जाता है इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस है। आज के दिन हम लोग 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी घोषणा 10 दिसंबर सन 1948 ईस्वी में किया गया था और इस दिन में हम लोग अपने कॉलेज या स्कूलों में मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं और कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करते हैं। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पता है आज मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा सन 1948 को ही कर दी गई। तो मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आप लोग अपने मानव जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी करने को प्रेरित करें। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र के 56 सदस्यों ने पिछले कई वर्षों से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज 10 दिसंबर है जिसे हम बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं 1948 ईस्वी से मनाते आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है, आज एक दिन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये अधिकार इसलिए मनाया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे भेदभाव करना और धर्म के विरुद्ध और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग न लेने की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया है और ये सन 1948 में इसको संविधान में पारित किया गया है। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है और मानव अधिकार दिवस मनाते हैं
और इसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी से शुरू किया गया है। गुड मॉर्निंग आप हर यू। गुड मॉर्निंग। आज विश्व मानव अधिकार दिवस है जिसे हम 10 दिसंबर को मनाते हैं और ये लागू किया गया था 1948 ईस्वी को और इसे इसमें मतलब यही कि भेदभाव ना करें आपस में और मानव को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आज मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आगे मनाया जाएगा भी। तो इसका शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जिससे मतलब पूरे विश्व में बहुत सी क्षति हुई थी, जिसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चार्टर मतलब एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था विश्व मानव अधिकार दिवस, यानी मानव का जो सामान्य अधिकार है। जैसे पहले क्या होता था, किसी जाति भेद रंग रूप के आधार पर अगर कोई नीचे जाति या सावला है आज कहते हैं पर उससे भेद किया जाता था। तो जाति भेद रंग लिंग वर्ण आदि के आधार पर जो भी भेद किया जाता था उसे समाप्त करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की। इसमें आम लोगों को उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो अधिकार है उसको वर्णित किया गया। इसमें भारत भी सम्मिलित था और ये चार्टर्ड एक्ट जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ तो इसको निर्विरोध, जिसका कोई विरोध नहीं हुआ उसको मतलब पारित कर दिया गया आगे चल के। और भारत भी इसमें उस समय देश था, लेकिन भारत में आते 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 मतलब 1948 45 साल लग गया और भारत में 1993 को मानव अधिकार दिवस भारत में 1993 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम लोग की जो जिम्मेदारी है देश के प्रति या उनका जो अधिकार है, ऐसा नहीं हमको भी इसका बारे में पता है मानव अधिकार की क्या इसमें आपकी क्या है जो आपको चाहिए। आपका जो अधिकार है, मान लीजिए आपको कहीं किसी मंच पे जाके बोलना है तो पहले होता थी कि बड़े लोग जैसे ब्राह्मण उच्च जाति के लोग ही कर सकते थे। आज संविधान में जब से 1993 से पारित हुआ है इसमें मतलब बहुत बदलाव हुआ, आम लोगों के विचारों में बदलाव हुआ, अपने मन के विचारों को एक मंच के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं, आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत से देशों में या हमारे ही देशों में ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना था नीच जाति के साथ लिंचिंग हो गया, मतलब छोटे जाति का। ऐसा नहीं सुना होगा कि बड़े जातियों के छोटे लोगों ने मार दिया, या विदेश में भी सुना होगा कि काले लोगों को गोरे लोगों ने मार दिया या हत्या कर दिया। अमेरिका में ऐसी घटना हुई थी अभी बहुत ही जल्दी में, उसके बाद यही होता है कि जब आदमी अपने अधिकारों के बारे में जानेगा तभी विरोध करेगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को एक चार्ट दिया गया कि ऐसे ऐसे खाना बनेगा, आप उसको जान गए, अगर वो अगला जो बनाते हो नहीं बना रहे तो आप एक मंच लेके जाएंगे, पहले आप एक समूह बनाएंगे, उस समूह का एक मुखिया नियुक्त करेंगे तो उसको बताएंगे ये परेशानी है। ऐसा नहीं कि आप लोग सभी लोग जाके एक ही बार हल्ला करके बताएं, किसी को आप एक जिम्मेदार ऐसा लगे कि हमें कोई है कि हमारी बातों को अच्छी तरह से रख सकता है दूसरे उनके सामने, तो आप लोग जिम्मेदारी की तरह से रहिए और जो भी परेशानी हो उसको बताइए। सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो इसके आधार से आप लोग एक मंच के माध्यम से उसको व्यक्त कीजिए, ना कि बस। गुड मॉर्निंग। जानते हैं आज 10 दिसंबर है, आज मानव दिवस अधिकार भी है। आज के दिन सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र समान महासभा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई। अधिकार दिवस UNO ने 1948 में तय किया था कि हर वर्ष 10 दिसंबर मानव दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। मां के लिए
के अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर सन 1948 को मनाया गया था, जो इसकी नींव रखी गई थी। और विश्व मानव अधिकार दिवस मनाने का मेन मकसद ये है कि जैसे लोगों को किसी उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, जैसे रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, किसी देश में घूमने का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार। और भारत में मानव अधिकार दिवस सन 1993 में 10 दिसंबर सन 1993 में पहली बार मनाया गया था। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सर जी भी बताया और कुछ फ्रेंड्स से भी बताया, आज के दिन हर देश में 10 दिसंबर को मानव दिवस अधिकार मनाया जाता है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र समान महासभा में घोषणा इसकी की गई, जो मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के प्रति उनके जागरूक करना और उनके मूलभूत सिद्धांतों को जागरूक करना ही है। दोस्तों, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग। जैसा हम जानते हैं विश्व मानव दिवस आज है 10 दिसंबर